स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, आई एम वंदना शर्मा फ्रॉम GCS स्कूल। आज हम क्लास थर्ड में हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर 13 संख्याएं के पार्ट को रीड करेंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर 59 खोलेंगे और मेरे साथ साथ बुक में रीडिंग करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस वीडियो से अच्छे से रीडिंग करेंगे और समझेंगे भी। राहुल, क्या तुम्हें गिनती आती है? यदि हाँ तो सुनाओ। देखिए, ये बच्चे हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने का क्या तरीका है वो यहाँ पे बताया है। सुनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसने पूछा तुम्हें गिनती आती है, उसने गिनती बता दी। क्या इससे आगे भूल गए? इसने कहा क्या इससे आगे भूल गए, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। नहीं, अब इस अध्याय में संख्याएं पढ़कर सीख लूंगा। उसने कहा कि नहीं, मैं तुमसे नहीं सीख रहा, इसमें पढ़कर सीख लूंगा। तो हम भी पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे संख्याएं बोली और लिखी जाती हैं। सबसे पहले ये अंग्रेजी अंक की संख्या जो हम मोस्टली बोलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये होती है अंग्रेजी की। हिंदी की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 होती हैं जिनको इस तरीके से लिखा जाता है और शब्दों में इनको ऐसे लिखा जाता है, यानी ये 1, 1 और 1 लिखने का तरीका, जैसे 2 और 2, 2 और 2 को ऐसे लिखा जाता है, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 ऐसे ही, ये 5, ये 5 और ये 5, ये 6, ये 6 और ये 6, ये 7, ये 7, 7, ये 8, 8, 8 और 8। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है, ये हो गए आपके अंग्रेजी के अंक, ये हो गए आपके हिंदी के अंक और ये शब्दों में, जो एक है उसको हम शब्दों में अक्षरों में हम कैसे लिखते हैं वो बताया। तो इसी तरीके से आपकी ये 100 तक गिनतियाँ हैं। कितनी है? 100 तक। ये देखिए आपकी 100 तक गिनतियाँ हैं, जैसे 8 हो गया, 9, 11, 13, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और ये जो है वो उसमें ही है, जैसे 11, 12, 13, 14, 15। तो बच्चों आपको इस चैप्टर को पूरा रीड करना है, अंकों की, हिंदी के अंकों में, अंग्रेजी के अंकों में और शब्दों में, ठीक है, अच्छे से रीड करना है और अपनी नोटबुक में इनको लिखना भी है हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि आपको इंग्लिश में भी मालूम पड़े कि इंग्लिश में तो आपको पता ही है कैसे अंकों में लिखा जाता है, हिंदी के अंकों में भी आपको लिखना है और हिंदी के शब्दों में भी आपको लिखना है। हिंदी में आपको लिखना नहीं बताया जाता, तो इससे हम यहाँ सीख जाएंगे कि हिंदी में गिनतियाँ कैसे शब्दों में लिखी जाती हैं। तो सभी बच्चे इनको अपनी अपनी बुक में से रीड करेंगे और नोटबुक में भी राइट करेंगे। तो नोटबुक में अगर आप चाहें तो सिर्फ आप ये लिखेंगे नोटबुक में शब्दों में, 1, 3, 5 ये लिखेंगे, 1, 2, 3 और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये शब्दों में भी लिखेंगे। समझ आ गया बच्चों? तो आपका ये होमवर्क है, तो आज का आपका होमवर्क है, आपको अपनी नोटबुक में हिंदी में शब्दों की जो गिनतियाँ हैं उनको अपनी नोटबुक में राइट करनी है। तो आज के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।